बहुत प्यार आ रहा था। क्या हो? अचानक गुस्सा आ गया? क्या करें, सबके सामने जो लोग मेरी चॉप कराएंगे तो उनसे मैं गुस्सा नहीं होंगी क्या? अगर चॉप नहीं करता तो रूठी हुई बीवी को मरने का मौका कैसे मिलता? रहने दो, सबके सामने परेशान करते हो। केयर तो करते नहीं हो बिल्कुल भी, पहचानते तक नहीं हो मेरा हाथ। रूठी हुई बीवी, कहना तो आता नहीं है कुछ मुझसे। सुनना क्या? कुछ नहीं। सुनना तुम्हें है। वैसे मुझे जो कुछ कहना है सबके सामने क्यों कहूं? जब तक कहूं हम दोनों अकेले होंगे, आसपास कोई नहीं होगा। एक्चुअली बोलता नहीं हूं, गलती बोले ही जा रहे हो। बताना नहीं आता गलती है, बताना नहीं आता गलती है, लेकिन लेकिन सच तो सच है। सच के बात यह है कि सच यह कि आई I love you, Ishima. हाँ? रमन कुमार भल्ला। यार ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे यार? इशिमा। यार ये बच्चों ने रूही ने सारे डायलॉग। रूही से लिखवा लो ना सारे डायलॉग, उसी से बुलवा भी लो, वही आके बोल देगी I love you, Ishima. Okay, done. कुछ भी। तो जिंदगी तो तुम्हें सवारी है मेरी। प्यार से जो भरोसा उठ चुका था, उस प्यार का फिर से एहसास किसने दिलाया? तुमने। नफरत भरी थी इस दिल में, इस दिल को प्यार करना किसने सिखाया? जो तक से मैं प्यार से बात नहीं करता था, लोगों को इज्जत देना किसने सिखाया? तुमने। एक पत्थर दिल रावण कुमार में तुमने जान फूंक दी। अब इतना कुछ किया है मेरे लिए तो जाहिर सी बात है, पत्थर था अभी भी इंसान बना, देर लगेगी बातें करने। लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारे लिए कुछ लिखा था मैं, कि तुम्हें चोट पहुंचाने के ख्याल से भी मेरी सांसों का धड़कनों से नाता टूट जाता है। लेकिन फिर सोचता हूं कि एक बार तुम रूठो तो सही, ताकि दुनिया को पता चले कि मेरी बीवी को मनाने का हर तरीका मुझे आता है। सुन, कभी कभी कुछ नया कर लिया कर। क्या सुनना है? Then I love you.
यू मेरी लाइफ में आने का। हेलो आज ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। अरे कोई ऑप्शन नहीं तो आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता। क्या हुआ है? ऑफिस से फोन है यार। ये अशोक की जो कंपनी में और मेरी टेक ओवर कर रहे हैं ना, तो उसके इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनके साथ मीटिंग करें। तो मेरे काम है तो जाओ आप। हाँ तो क्यों नहीं, तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं। रमन, आप नया बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, अचानक ही मीटिंग्स आएंगी। अगर आप मीटिंग के लिए नहीं जाओगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल कैसे होगा? आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। और मेरी हालत का क्या है, इतने सारे लोग केयर करने के लिए मैं ऐसी परेशान हो जाती हूँ, बोलना पड़ता है कि मत करो इतनी केयर। फिर रूही है, आदि है, राइट, उन्हें छोड़ के तो साथ में आ नहीं सकती हूँ आपके। एंड रमन, पता है मैं क्या चाहती हूँ? कि इस साल बेस्ट सीईओ का अवार्ड, बेस्ट कंपनी का अवार्ड और आपके फील्ड में जितने जितने अवार्ड्स हैं वो सारे अवार्ड्स आपको मिले। यू मेक मी प्राउड। ठीक है, एक शब्द जो मैंने आज तुझसे कहा है तो रोज मुझसे कहेगी। जल्दी वापस तो आओ। और जब वापस आऊंगा ना, दोनों टांगों पे खड़ी हो जाए, थक गया हूँ, हाथ गाड़ी को धक्का मारते तो यही बात नाच नाच के कहूंगी। जल्दी आओ बस। चला जाए, बी बैक।